सबका दाता सबका साथी युग का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय। मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। नव निर्वाचित लघु वनोपज अध्यक्ष प्रदेश प्रतिनिधि अशोक मंडलेकर का हुआ परसवाड़ा में भव्य स्वागत। ब्लॉक कांग्रेस सेवादल परसवाड़ा के तत्वाधान में जिला लघु वनोपज सहकारी संघ उत्तर वन मंडल बालाघाट के अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रतिनिधि राज्य लघु वनोपज भोपाल के पद पर निर्वाचित होने पर अशोक मंडलेकर एवं संचालक मंडल का मुख्यालय परसपुर में भव्य स्वागत किया गया, जहां पर एक बार फिर कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह देखने को मिला। गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न हुए जिला लघु वनोपज सहकारी संघ के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें क्षेत्रीय नेता अशोक मंडलेकर के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर क्षेत्रीय जन में भारी हर्ष का माहौल देखने को मिला। इस दौरान सेवादल के ब्लॉक अध्यक्ष ललित इंगाए सहित कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रीय जनों के द्वारा परसवाड़ा में भव्य रैली का आयोजन करते हुए फूल मालाओं से नव निर्वाचित अध्यक्ष अशोक मंडलेकर का स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं सहित क्षेत्रीय जनों का हुजूम राम मंदिर परिसर में एकत्रित हुआ, जहां से एक रैली के रूप में ढोल नगाड़े बाजा गाजे के साथ आयोजन स्थल पावर हाउस बाजार चौक के सामने पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ अशोक मंडलेकर जिंदाबाद के नारे जमकर लगाए गए। वहीं जगह जगह पर उनका सामाजिक संगठनों सहित ग्रामीण कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान कुछ जगह पर जमकर आतिशबाजी का नज़ारा भी देखने को मिला। इस दौरान एक मंच कार्यक्रम का आयोजन कार्यकर्ताओं द्वारा बाजार चौक के समीप पावर हाउस के सामने स्वागत अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष सहित संचालक मंडल के सदस्यों का फूल माला एवं साल श्रीफल भेंट कर स्वागत किया गया, जिसके बाद उपस्थित वक्ताओं द्वारा बारी बारी से नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं सदस्यों को बधाई देते हुए लघु वनोपज के बारे में अपने विचार व्यक्त किए गए। इस दौरान मंडला जिले से आए हुए लघु वनोपज सहकारी समिति के अध्यक्ष एवं राज्य लघु वनोपज भोपाल के प्रतिनिधियों ने भी लघु वनोपज समिति बालाघाट की पूरी टीम को बधाई देते हुए अपने वक्तव्य रखे। MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस के लिए बालाघाट परसवाड़ा से उमेश बिसेन की रिपोर्ट। प्रतिनिधि आप जो निर्वाचित हुए, भव्य स्वागत किया गया परसवाड़ा में, क्या कहना चाहेंगे? स्वागत का मतलब मैंने अपनी स्पीच में भी कहा, जिम्मेदारी होती है। जितने लोग स्वागत करते हैं उनकी अपेक्षाएं होती हैं कि जिस हेतु जो चुना गया है उसका स्वागत किया जाता है, तो उसको जिम्मेदारी का निर्वहन करे वो। कोशिश करेंगे हम जिस मंशा से हमारा स्वागत किया गया उस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से पूरा करने की कोशिश करेंगे। कई सारी समस्याएं हैं लघु वनोपज सहकारी संघ में, संग्राहकों की भी कई सारी समस्याएं हैं, उसको कितना चैलेंजिंग मानेंगे आप, कब तक? बहुत बड़ा चैलेंज है, चूँकि एक तरफ वन विभाग है उनका अपना अमला है, एक तरफ हमारा सहकारी समितियाँ हैं, तो सहकारी समिति में सदस्यता अभियान भी नहीं लिया गया है। सदस्य बनाए जाएंगे और उसके बाद जो समस्याएं हैं उसको बैठकर निराकरण किया जाएगा, प्रशासनिक टेबल पर जो है उसका निराकरण किया जाएगा, तब वो मैदान पर बातें काम में आएंगी। काफ़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है आपको, और चूँकि स्थानीय आप यहाँ की समस्याएं काफ़ी हैं, आपको जिम्मेदारी भी दी गई है यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको लेकर कितना आप आगे जाएंगे? देखिए, जहाँ तक लघु वनोपज की बात है, हम जहाँ भी खाली जंगल होगा उस जंगल को चिन्हित करके वहाँ लघु वनोपज की पैदावार को बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। उसमें चाहे हर्रा हो, बेड़ा हो, आंवला हो, अचार गुठली हो, शहद की उत्पादन की बात हो या अन्य वन औषधियों की बात हो, जिसमें भोपाल तक जो बरखेड़ा पठानी में हमारा जो केंद्र चलता है, जहाँ से आयुष काढ़ा पूरे मध्य प्रदेश में बांटा गया वहाँ जाता है, उन वन औषधियों को हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अच्छे वन की अगर बात करें, फॉरेस्ट की बात अगर छोड़ दें, फॉरेस्ट की समस्याओं के अलावा भी स्थानीय इस पर काफ़ी समस्याएं हैं, क्योंकि आप वरिष्ठ कांग्रेसी हैं यहाँ के, उन क्षेत्रीय समस्याओं पर कितना फोकस करें? हम तो यहाँ के पैदावार हैं,
चाहिए। जी हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, आपको तो प्रश्न पूछना नहीं चाहिए, आप लोग वाकिफ़ हैं कि रात के 12 बजे कोई समस्या लेकर आता है, समस्या का निदान करने में तत्पर रहते हैं। कहना चाहेंगे कि हमारा जो तेंदूपत्ता आज यहाँ आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र है, यहाँ पे सभी वर्ग के लोग तेंदूपत्ता तोड़ते हैं और हम यही आशा रखते हैं हमारे नवनिर्वाचित अशोक मंडलेकर जी से कि वो चुन के आए हैं तो हमारी उम्मीद भी जागी है और हमारे कांग्रेस पार्टी में भी उम्मीद जागी और एक संकनाद किए हैं उनने जीतने का और हमारे जो जंगल से जो लकड़ी लाते हैं फॉरेस्ट की जितनी समस्या है वो समस्या का समाधान करेंगे और अपने पद का अच्छे से निर्वहन करेंगे, ऐसा हम आशा रखते हैं। कांग्रेस पार्टी में उम्मीद तो जगी है लेकिन अपेक्षाकृत जो स्थानीय कांग्रेसी हैं वो आज कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं, क्या बात है? नहीं, आज उन लोगों का कार्यक्रम है इसलिए उन लोग नहीं आ पाए हैं, शरद पूर्णिमा की वजह से आज नहीं आ पाए हैं, फिर भी हमारे साथ में है, वो कोई दिक्कत नहीं है।